नमस्कार दोस्तों, MHW के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं NGO कैसे ओपन करें, NGO कैसे ओपन करें और इसमें वर्क कैसे करें, उसकी क्या प्रोसेस है इंडिया में, सारी डिटेल हम बताएंगे। NGO से पहले हम एक बात जान लेते हैं। NGO से पहले ऐसे लोगों को का स्थान बढ़ाए जो सोशल वर्क में इंटरेस्टेड होते हैं, जो सिर्फ सोशल वर्क एक्टिविटी करने के लिए ही NGO में जुड़े और अपना काम बढ़ाए और सभी की सेवाएं करें। NGO कैसे ओपन करें मैं सारी डिटेल बताऊंगा। इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। किसी के उद्देश्य के लिए ये वीडियो बनाया है। कुछ लोग को पता नहीं होता कि NGO कैसे ओपन करें और NGO का पूरा नाम क्या है। NGO ऑल इंडिया में काम कर सकता है, आपको सिर्फ अपने स्टेट में एक रजिस्टर करवाना पड़ता है, जो ऐसे के ये ट्रस्ट यहाँ का है और नॉन गवर्नमेंट की तरह काम कर रहा है, इसके लिए सारी मान्यता दी जाएगी। इससे पहले आपको सभी विद्यार्थी या युवाओं को ऐसे संगठित बनाना पड़ेगा जिससे 7 से 8 लोग वहाँ उपस्थित रहने पड़ेंगे, इसलिए कि सारे संगठित होके काम कर सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति से NGO नहीं ओपन हो सकती, क्योंकि एक व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता। युवाओं को प्रेरित करने के लिए NGO का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। जो NGO में काम कर रहे उसे पता ही होगा और जिसे NGO का कोई ज्ञान नहीं है वो ये वीडियो ज़रूर देखे, और MHW और सोशल वर्क कर रहे उस विद्यार्थियों को भी ये वीडियो देखना होगा और सुनना भी होगा। जिसको ये वीडियो पसंद ना आए वो वीडियो छोड़ के चला जाए। NGO एक लिमिटेड ट्रस्ट होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, जो कंपनी चलाई जाती है वहाँ एक मान्यता दी जाती है कि रजिस्टर्ड कंपनी है। ऐसे ही हमारे NGO रजिस्टर करना पड़ता है, यानी कि आप कोई भी स्टेट या कोई भी स्टेट के हो, वहाँ आपको एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना पड़ता है। चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना पड़ता है, उससे उद्देश्य से आप काम कर सकते हैं, उससे सभी जगह आप जा सकते हो और आपको गवर्नमेंट से पूरी सहायता मिल जाती है। आपको NGO ट्रस्ट करने के लिए 7 से 8 मेंबर होने चाहिए। वहाँ आपके जो रहते हैं सिर्फ सोशल वर्क के अलावा कोई भी ग्रेजुएशन और कोई भी स्टूडेंट को आप इसमें ले सकते हैं। इसमें 18 साल के ज़्यादा होना चाहिए, 18 साल के कम हो इसमें रजिस्टर नहीं करवा सकता। किसी भी मेंबर की आयु 20 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। सभी मित्रों को ये निवेदन है कि NGO में काम करें और सभी गणों की सेवा करें, यानी कि किसी भी युवाओं को मदद पहुंचाने के लिए NGO काम करता है। NGO में ऐसे रजिस्टर करवाए किसी का शुल्क होता है। आप किसी की स्टेट में NGO रजिस्टर करवाए थोड़ा सा शुल्क होता है, यानी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है। आपको चैरिटेबल ट्रस्ट चैरिटी कमिश्नर में जाके आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। वहाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट यानी आधार प्रूफ और एड्रेस सब सबमिट करना पड़ेगा। आप NGO 10 से 15 दिन में यानी 1 से 2 महीने में रजिस्टर हो जाएगी। जैसी प्रोसेस होगी वहाँ आपको तुरंत आपका सर्टिफिकेट NGO का मिल जाएगा। उसके बाद आपको सारे मेंबर यानी NGO का एक पैन कार्ड निकालना पड़ेगा। पैन कार्ड आने के बाद आपको जो NGO का पैन कार्ड आता है, उसके बाद आपको कोई भी बैंक में जो पैन कार्ड है उसमें जाके आपका अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, यानी NGO रजिस्टर है और
हमें जो इनकम होती है या किसी भी तरह फंड प्रोवाइड होता है, सारी इनकम एनजीओ में यानी बैंक में जमा हो सके और सभी को ये जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आप बड़ा काम करना चाहते हैं और जीएसटी का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, इनकम टैक्स फ्री करना चाहते हैं एनजीओ के फंड में, तो आपको इसमें आयकर विभाग की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक साल तक काम किया होना चाहिए एनजीओ में और सारा कितना फंड है और कितना टर्नओवर है सारा बताना पड़ेगा। उसके बाद आप एनजीओ के सारे मेंबर जीएसटी यानी इनकम टैक्स आयकर विभाग में अप्लाई कर सकते हैं। इससे कोई भी इनकम हो या आप कोई भी ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं एनजीओ और ज़्यादा सेवा करना चाहते हैं तो एनजीओ में इनकम टैक्स फ्री टैक्स आता रहेगा। कोई भी डोनेट या बड़ी कंपनी आपके एनजीओ में डोनेट करती है तो उसमें जो डोनेट पैसा करती है उसमें इनकम टैक्स फ्री पैसा मिल जाएगा उसको, और उसको भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा हो सकता है। एनजीओ में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और स्टेट प्रोजेक्ट भी आप ले सकते हैं और सेंट्रल प्रोजेक्ट भी आप ले सकते हैं और इंडिया के बाहर के भी प्रोजेक्ट FCRS में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप FCRS से अमेरिका या जापान चीन से कोई भी प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। बस आपको एनजीओ के बारे में इतनी जानकारी मिलेगी। अगले वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो मैं अगले वीडियो MSW और अदर वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। धन्यवाद दोस्तों।